नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हिजाब के नाम पर लड़कियों और महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आम होती चली जा रही हैं। कर्नाटक में महिलाओं और बच्चियों को आगे कर कट्टरपंथी हिजाब के नाम पर पूरे देश में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। उधर ईरान की राजधानी तेहरान से हिजाब से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल तेहरान में 22 वर्षीय युवती को पुलिस महज इसलिए गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहन रखा था और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। लड़की की मौत से परिवार वालों का गुस्सा पुलिस पर भड़क रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी बेटी को मार दिया है। पुलिसकर्मियों ने ही उनकी बेटी की जान ली है, लेकिन पुलिस अपने बचाव में दलीलों का दरिया बहाने में मशगूल है। 22 साल की लड़की ईरान की राजधानी तेहरीन में अपने परिवार वालों के साथ तेहरान घूमने गई थी। इस दौरान उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था, जिस पर ईरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कई और लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि परिवार वालों ने पुलिस की गिरफ्तारी का विरोध किया था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी क्रूरता की हदों को पार करते हुए सभी लड़कियों को हिरासत में ही लिए रखा। इस बीच पुलिस हिरासत में रहने के दौरान अमीनी की कथित तौर पर तबीयत बिगड़ गई। हिरासत में रहने के दौरान वो बेसुध हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस उपचार के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद से पुलिसकर्मियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिवार वाले बेहद नाराज हैं और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरा माजरे पर आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। अब आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।